तो जी, स्वागत है आपका आज अक्षा व्लॉग्स में। और आज का जो व्लॉग है वो है इसके बारे में, डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स। आज इसकी सर्विस होनी है और वो तो काफ़ी टाइम चुका है इसको ख़रीदे हुए, बट काफ़ी टाइम से लास्ट ईयर साल में एक सर्विस होती है, तो आज बने रहिए, उसी के साथ चलते हैं। इसको निकालता हूँ पहले बाहर, पेट्रोल चटाई है थोड़ी सी, इसको वहाँ लगा देंगे, वार्म अप करते हैं बाइक को और फिर ताबड़तोड़ निकलते हैं। दिन के प्रातः काल के सुबह हो चुके हैं हमारे, कितने शायद 8:30 हो जाने चाहिए थे, 8:24 हो रहे हैं। 10:30 का मैंने अपॉइंटमेंट बोला था भैया को बाइक सर्विस के लिए। बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक, पिछले ब्रेक नहीं चल रहे हैं, जो कि भैया बता रहे थे कि जो हैवी बाइक्स होती हैं, जो सुपर बाइक्स होती हैं, उनमें अगर ज़्यादा टाइम तक बाइक ना चले और खड़ी रहे तो प्रॉब्लम्स ऐसी वाली आ जाती हैं। तो वही दिखानी है अपन को जाके। और दूसरा है, गाड़ी बीच में ना चलते चलते बंद हो जाती है, तो वो एक छोटा सा लग रहा है मुझे कि कहीं दिक्कत ना हो वो कोई, जो कि मुझे लग रहा है कि दिक्कत तो नहीं होगी, बट फिर भी दिखाने में कोई हर्ज नहीं है जब सर्विस करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सुपर स्पोर्ट्स को। इसको इग्निशन करके थोड़ी देर वार्म अप कर देते हैं। हियर वी गो। और ये रहा हमारा, तो ये 2 मिनट तकरीबन इसको वार्म अप होने देते हैं। ये हमारा टाहा कवर में खड़ा ही है, ये हमारा हैरल्ड है हार्डले, इसकी सर्विस हो चुकी है इस साल की, बट हाँ उसका व्लॉग रहता है वो अपलोड करेंगे। गाड़ी तैयार है और अभी तैयार हूँ, निकलते हैं आज और सर्विस कराते हैं। थंबनेल के लिए फोटो लगा लिया है। ये हमारी रेंज दिखा रहा था लगभग लगभग 55 किलोमीटर, अब दिखा रहा है 137, तो 100 तो चली जाएगी, गुड़गांव जाना पहुँच ही जाएंगे। चलो वहीं पहुँच के मिलते हैं, ये पता लगेगा। तो अभी आज इसका मैं सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ, जब तक ये सबसे जरूरत नहीं पड़ी चली हुई थी ट्रैक या फिर नॉर्मल इधर हाईवे जहाँ पे नहीं होता कोई जरूरी, आज जाना पड़ रहा है अगर महंगा चलो आज करा। आज की डेस्टिनेशन तो हमारी यही है, पहुँचने गाड़ी करते पहले। तो जी, आज का दिन और आज का वीकेंड कह लो या सैटरडे कह लो, वो हमारा इस गैराज के नाम है, ये हमारे एक मित्रगण है मथुरा के, उन्होंने ही शुरू किया अपना, बहुत ही सही काम है यार। बाइक्स देखो यार क्या खड़ी हुई है बहन इसकी, बहुत पहले जब स्कूल में हुआ करते थे उस टाइम की वन ऑफ आर फेवरेट मशीन्स, तो ये बंद ही हो गए उस टाइम। देखो सिंगल से नाम लेट 90s के मॉडल है यार, वो एक अप्रिलिया खड़ी है, वो हार्डले मेरे वाले का बच्चा मान लो, वो एक ट्राइम्स खड़ी है, और ये देखो यार क्या। तो ये सब गाड़ियाँ जो हैं भैया के पास, ये एनफील्ड खड़ी है, एक वो यामाहा खड़ी, वो यामाहा खड़ी है वो काम होने के लिए, ये पल्सर खड़ी है किसी की पुरानी, और ये गैराज यार अमेजिंग प्लेस टू बी, अलग सी पॉजिटिव सी मज़ेदार सी फीलिंग आ रही है। चलो जी दिन करते हैं शुरू, है ना, और काफ़ी काम है आज, लग जाएगा दिन भर लग जाएगा। धूप बहुत कैड़ी हो रही है भाइयों, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब इतनी बुरी धूप है कि मैं पहुंच तो गया हूँ 10:20 पे पहुंच गया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिर्फ यही मेन दिक्कत है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं पिछले, बाकी गाड़ी फर्स्ट क्लास है। एक ये दिखाना है कि ब्रेक लीवर जल्दी मतलब जल्दी मूव, जल्दी थोड़ा गैप है इसमें, मुझे लग रहा है ऐसा, देख रहे हो चाल सी है, बट आई डोंट नो। बाकी गाड़ी फर्स्ट क्लास है, नॉर्मल सर्विस होगी, धुलाई होगी, रुक के जाएंगे थोड़ा घूम फिर के, आज ना शाम को निकलेंगे। मशीन से नुच पा के रखी हुआ है MV Agusta ब्रुटाले भाई, इटालियन यार, इटालियन MV Agusta मशीन, लुक एट द एग्जॉस्ट। तो जी कार्रवाई शुरुआत होती है गाड़ी में, कीचड़ कीचड़ हटाई जा रही है, गाड़ी पूरी वॉश नहीं होगी ताकि ढंग से सर्विस हो सके गाड़ी।
स्ट्रेचर पे लेटा दिया गया है। निकाली जाएगी फेर ही। तो ऊपर की फेयरिंग खुल चुकी है, हाँ खुल रही है नीचे से, हाफ इस साइड है हाफ उस साइड है, तो पूरी की पूरी जुड़ रखी है और फिर उसके बाद फेयरिंग खुल जाएगी, तब बाकी का काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बताओ क्या ही भसड़ मचाई है डुकाटी में। दिल दुख सा गया भाई, ओहो निकल आया हिस्सा अलग। ये क्लीन करने के लिए डाल रहे हो ना? हाँ जी, इंजन फ्रेश है। इंजन फ्रेश दूर खड़ा होकर आपको बताता हूँ ताकि आवाज़ है नहीं तो बाइक की, बाइक में ना उसमें सर्विस के शोर में आवाज़ नहीं आएगी। तो भैया अभी क्या कर रहे हैं, भैया ने इंजन फ्लश वाला एक ऑयल होता है वो डाला है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ताकि जो इंजन की जो गंदगी है वो निकल जाए। बताओ हमारे यहाँ क्या होता है, अरे निकालो ख़त्म। तो पहले एक ऑयल डाला गया है, उसको अब ऑन कर दिया गया ताकि पूरे इंजन में ऑयल चला जाए। जो मैंने अभी आप एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देखोगे रेव कर रहे हैं तो ऑयल नीचे ऊपर चढ़ रहा है, तो नीचे से ज़ीरो होता जा रहा है। और भैया इस साइड की फेयरिंग खोल रहे हैं, दोनों साइड से हमारी गाड़ी खुल जाए। तो जी भैया ने ये कर दिया हमारी गाड़ी का कांड, तीन तरफ से खोल दिया हमारी गाड़ी। ये है 360 व्यू फिलहाल का। निकलेगा भैया, ओए होए होए इंजन ऑयल निकलता हुआ हमारी गाड़ी का। ये ऑयल फिल्टर है वो तेरी, आराम से भैया मेरा बॉडी क्लीन। 3.5 लीटर डलता ना, 1, 2, 3 और आधा ये हो जाएगा लगभग। तो भैया दूसरा कीपा डाल रहे हैं इसमें, दो एक डल चुका है, बड़ी प्यासी है। रोडेंट कम आते हैं, चूहों का कमाल। इसे एयर फिल्टर खोल रहे मर गए हैं, चूहा मरा हुआ पता नहीं दिखेगा क्यों, वो रह चुका मृत घोषित हो गए। तो जी हमारी गाड़ी का फट चुका है एयर फिल्टर, पता ही नेस्त तो नाबूद कर दिया है चूहे महाराज ने। ठीक है तो अब डल रहा है K&N का, ये कह रहे लाइफ टाइम ही है फिल्टर, तो मैं वही डलवा रहा हूँ। लेट्स सी, इसको मैं ले आऊँगा घर। अच्छा हाई फ्लो एयर फिल्टर है भाई, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस का भी बड़ा इसमें अंतर पड़ने वाला है। तो वैसे इसका प्राइस है तकरीबन 6,500-7,000 रुपये, पर भैया कह रहे थे मुझे डिस्काउंट देंगे, लेट्स सी। देखो 6,590 रुपये का है,
लेट्स सी। चूहा तो एक ही है लेकिन वो ना कई उसके उसके अवशेष ना। अरे कहाँ इसकी बैटरी लगी हुई है बताओ। ये ऊपर एक स्प्रे मार रहे हैं जिसकी वजह से पूरी गाड़ी साफ हो गई है। देखो यहाँ से गूम गूम निकल रहा है साफ हो गया सारा। देखो गाड़ी का हाल क्या हुआ है देखो, पूरी खोलनी पड़ गई है चूहे के चक्कर में। का फिल्टर नहीं डाल रहे हैं बिकॉज अवेलेबल नहीं है। वो जो मैंने आपको दिखाया था वो वाला दूसरी बाइक का था, कह रहे हैं थोड़ा सा अंतर होता है डिज़ाइन वाइज बट उसी के पैसे हैं, तो उन्होंने वो हटा दिया। वो दूसरा लगा रहे हैं उनके पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था पीस स्टॉक वाला। कैनन नहीं है, कैनन नेक्स्ट सर्विस पहले तब डलवाएंगे। तो फिलहाल के लिए पुराने से ही काम चलाया जा रहा है। बाइक है तैयार, सारा और सुबह काम और जाएगी वॉशिंग पे चमकने। इसी के साथ हमारी गाड़ी धुलती हुई धुलने के बाद मिलते हैं। गाड़ी है तैयार हमारी, और एक यहाँ पे वो आई है गाड़ी वल्कन, थोड़ा सा डिटेलिंग होने। सोमो दिस इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, दिस इज द प्लेस। तो ये हमारे योगेश शर्मा जी। योगेश जी आप बताइए। अरे शर्मा जी तुम मजे ले रहे हो? मैं मजे ले रहा, सीरियसली बोल रहा यार। मेरे को तो बहुत सही लगा काम वगैरह, और मेरा केरिन फिल्टर मंगा देना बस, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा हम लोग सिर्फ सुपर बाइक्स में ही देखते हैं, वो तो है। कावासाकी वगैरह सारे के सारे इटालियन में अपना एक्सपर्टीज है। अच्छा, और हमारी खासियत ये है कि और हम OEM स्पेयर पार्ट्स भी खुद ही इम्पोर्ट करते डालते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है बाहर वर्कशॉपों को पार्ट्स वगैरह मिल नहीं पाते, तो हम अपने खुद ही पार्ट इंपोर्ट करते हैं OEM पार्ट्स भी और आफ्टर मार्केट, और हल्का फुल्का जैसे मॉडिफिकेशंस भी वगैरह अगर करना है सब कुछ। कंप्लीट पेंट जो होती है गाड़ी की, पेंट जो करानी है, डिटेलिंग करानी है, सब कुछ बस, तो सारी चीजें होती है। बाकी मैकेनिकल में तो हम ए टू जेड करते हैं, इंजन ओवरहॉलिंग से लेके नॉर्मल सर्विस सारा का सारा। नाइस नाइस, मेरे को बहुत सही जगह लगी। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई है यार, गैराज बड़ा प्यारा बनाया भैया आपने। अभी तो काफी चीजें होनी, काफी चीजें करनी। हमने लॉकडाउन में स्टार्ट करा था ये 2020 मई में स्टार्ट करा था 21 में। हाँ, 2021 ना 2021 में, दो साल हो गए आज 2020 में, 2020 में। हाँ, और दो साल हो गए हमें ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी हमारा हमें जो मार्केट से अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा रिस्पांस मिला है। नाइस, और हमेशा हम यही सोचते हैं सारी बाइक्स हो या कोई भी मॉडिफिकेशन हो या कुछ भी हो बाइक से रिलेटेड है एक्सेसरीज है, हम कस्टमर को अपना पर्सनल टच देते हैं। बेसिकली क्या है, बंदा कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर जाता है, उसको SOP जो प्रोसीजर है वही है, वही है। जो वो चाहता है वो भी करते, अगर वो देखना भी चाह रहा है कि मेरी गाड़ी में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, लेवल नहीं आता जब तक हम करते रहते। जैसे आज मेरी गाड़ी में चूहा निकला तो ये नहीं है कि वायरिंग को डैमेज कर सकता था, बच गया आज का सब। कोई आप कहीं भेजते सर्विस सेंटर है ना, और वो बोलते हैं ये हो चुका है वो हो चुका है,
तो आपको पता नहीं चलता राउंड रहता, तो लॉट ऑफ थिंग्स। फिल्टर का भी हमारा ही होगा कि फिल्टर खराब था लेकिन हमने दूसरा यूज कर लिया बाय द टाइम के लिए। फिल्टर रखा था तो हमने भाई को डाल के दे दिया, बाकी हम केएनएन फिल्टर या बीएमसी जो भी चूज करते हैं, जो कि ऑयल्टर फिल्टर होते हैं, उसके हिसाब से डस्ट ज्यादा होती है तो वो डस्ट उसी पे जम जाती है और ये सही रहता है हमारे यहाँ के लिए कंडीशन। तो ये भैया का गैराज पड़ता है यार हीरो होंडा चौक से राइट लोगे ना बिग बॉय टॉयज, उसी पे रास्ते। अरे गूगल पे डाल लो मोटोपेट गैराज, इंडस्ट्रियल एरिया गुड़गांव का बहुत फेमस है। अरे गूगल मैप्स पे मोटोपेट गैराज डाल दो आप, बिल्कुल गैराज के सामने ला के रखते हैं। तो चलो यार योगेश भाई, आशीष भाई तो अपने पुराने ग्राही से ऐसा नहीं है कि पहली बार आए, पहले मॉन्स्टर थी फिर उसके बाद सुपर स्पोर्ट ले ली, जब डुकाटी में जॉब करता था। आप ही दिखला के गए हो सुपर स्पोर्ट्स लास्ट के, ये ले लो। बाकी तो अब कारवा बनता गया, जुड़ते जाएंगे और आगे अपनी चीजें बढ़ाते ही जाएंगे हम फ्यूचर में, लोगों को एंड टू एंड सर्विस देनी है इकोनॉमिकल भी और पैसे खर्चने के बाद उसे परफॉर्मेंस अच्छा हो। मेन क्या है आज के टाइम पे पैसे सभी खर्चते हैं पर जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है और जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता। गाड़ी ले जाए तो आराम से चला है, ये नहीं कह रहे भैया यहाँ से घर के फिर से इशू आ रहे हैं, नहीं तो एक्सेसरीज तो कोई भी लगा मैकेनिकली मेंटेन करना, क्योंकि हर किसी की राइडिंग ज्यादा नहीं होती है, सही बात, चीजों को मेंटेन करके रखना। चलो जी बहुत बहुत बढ़िया भाई, मोटोपेट गैराज में इनका लिंक भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे ना सब्सक्राइब कर लो अगर आप कोई बड़ी बाइक ले रखी है आप लोगों ने, सुपर बाइक या कार्स वगैरह का भी, मैंने कार्स का भी दिखाया, कार्स के फुल ऑन सेक्सी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं यार, मतलब मेरा तो दिल आ रखा है। पिकअप ट्रक्स काम करते एक नंबर, गैरेज के नाम से हमारा पेज है वो देख रहे हो, वो पिकअप ट्रक है इसके अभी सस्पेंशन का काम चल रहा है यार, दिल खुश हो गया मेरा देख के। तो चलो बाकी मिलते हैं योगेश भाई, बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है जी, बाय 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 टाटा। सबसे प्रो आ गए हैं यहाँ के हमारे कंटूपर लेके अपना जो गाड़ी है रेडी, चेकअप हो चुका है इसका, नो एरर्स, रिपोर्ट ईमेल आ चुकी है, एक बार इसकी रेंज देखते हैं उसी हिसाब से पेट्रोल पंप की दुकान पे रुकेंगे कि रेंज कितनी दिखा रही है। तो जी 67 यानी कि निकलने से पहले पेट्रोल लेनी पड़ेगी। चलो जी चलते हैं और 4:15 हो रहे हैं, 4 बजे तक निकले हैं, देखते हैं 5:30 तक पहुँच जाते हैं। बाकी मैं रास्ते में एक बार वीडियो बनाऊंगा तो नहीं तो घर ही पहुंच के बात करते हैं। तो जी ये जो शांत सा खड़ा है ये वापस आ गया है, मेरी हालत इतनी थी नहीं कि मैं आके कुछ और करूं, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर कल संडे है देखता हूं, अगर कल भी एडिटिंग हो जाए थोड़ी सी, इसको चलाएंगे साफ सूफ करेंगे। परफेक्ट चल रही है यार, एक नंबर चल रही है, ज़मीन आसमान का अंतर सर्विस होके, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और एक बार कल भी बनाया ना, कल फाइनल एंड करेगा।